हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक है। एंड आज मैं जाने वाली हूँ लॉन्ड्री करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रेंट वाला घर है वहाँ पे भी लॉन्ड्री ये लोग फैसिलिटी देते हैं, लेकिन इतनी अच्छी लॉन्ड्री जो होती है ना, ड्रायर का और वो भी वो लॉन्ड्री डालने का कपड़े का, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो अच्छे धुल के कपड़े नहीं आते। तो फिर यहाँ पे आजू बाजू में 1 माइल के पास भी लॉन्ड्री स्टोर होता है, वहाँ पे आप अच्छी तरह से लॉन्ड्री कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन कपड़े अच्छे धुल के आते। तो आज मैं जाने वाली हूँ लॉन्ड्री करने के लिए, लेकिन अभी मुझे खाना खाना है क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 बज गया है दोपहर का। सो अभी मैं फटाफट खाना खा के फिर मैं लॉन्ड्री करने जाने वाली हूँ। सो आज मैं खाने वाली हूँ ग्रीन मूंग एंड विथ पनीर, एंड उसके साथ मैं कोई भी मतलब ड्रेसिंग डाल सकते हो, या फिर नहीं डालना है तो लेमन के ड्रॉप्स और सिर्फ सॉल्ट और हल्दी डाल के भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज ये खाने वाली हूँ। सो मेरा लंच रेडी हो गया है एंड बहुत मस्त बना है। इसके ऊपर मैंने डाला है क्यूकम्बर और मैं यहाँ पे बैठ के खाने वाली, क्योंकि मैं देख रही हूँ बिग बॉस। मेरा फेवरेट है मुनावर एंड सेकंड प्रायोरिटी इज अभिषेक सो फार। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पात्र पसंद है। तब तक के लिए मैं ये मेरा लंच खा लेती हूँ। सो मेरे को ये सब कुछ लेके लॉन्ड्रा में जाना है, क्योंकि बहुत बड़े ब्लैंकेट है और आई गेस 4 ब्लैंकेट है और मेरे कपड़े भी है। तो ये सब कुछ लेके मुझे लॉन्ड्रा में जाना है एंड ये भी लेके जाना है मुझे एंड मेरे कपड़े भी है। बहुत सारी लॉन्ड्री है आज करनी है। ब्लैंकेट, 4 ब्लैंकेट है, बेडशीट है और ये 2 बास्केट है मेरे कपड़े की है। मतलब आपका पूरा दिन, जब आपकी छुट्टी होती है ना, 6 दिन काम करते हो और 1 दिन आपके लिए छुट्टी रहती है रेस्ट करने के लिए, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए नहीं होती है। आपको सीरियसली लॉन्ड्री करनी पड़ती है और पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि आप लॉन्ड्रामेट में जाते हो, फिर वहाँ पे वॉशर में डालोगे, फिर ड्रायर में डालोगे, तो उसका 2 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि 1 घंटा वॉशर का और 1 घंटा ड्रायर का, फिर वापस आपको आने का, फिर जहाँ पे कपड़े आपको रखना है वहाँ पे रखने का, फिर फोल्ड करने का, ये पूरा दिन चला जाता है। सच में इंडिया इज द बेस्ट, मतलब USA ऑल्सो इज द बेस्ट, बट ठीक है। इतने बड़े बड़े हैं मेरे पास ब्लैंकेट, तो मैं सोच रही थी कि लॉन्ड्रा में चली जाओ, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट के नीचे वहां पे है लॉन्ड्री, वॉशर भी है, ड्रायर भी है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कपड़े, तो मैं सोच रही थी कि मैं लॉन्ड्रामेंट में जाके वहां पे ही डाल दूं सब कुछ, तो इजी रहेगा मेरे लिए। तो मेरी ऑलरेडी 3 बास्केट हो चुके हैं और 2 ऐसी है, तो मैं इसे ही कार में डाल दूंगी, चलेगा। लेकिन उससे पहले मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ड्री का जो लिक्विड आता है वो नीचे है स्टोर रूम में। तो आइए मैं आपको अपना स्टोर रूम भी दिखाती हूँ, नीचे बेसमेंट वाला। सो ये है हमारा स्टोर रूम जहाँ पे बाइसिकल है समर में, एंड ये सब कुछ हमारा सामान है जो इंडिया से मम्मा भेजती है, तो वो भी है। और आई थिंक ये है लिक्विड, मेरे को मिल गया, आई थिंक ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला मैं यूज़ करूँगी आज। सो आई थिंक मेरा लॉन्ड्री का सब कुछ रेडी हो गया है, अभी मैं जाने वाली हूँ, ये सामान सब कुछ मैं अपने कार में रखूँगी, क्योंकि मैं एक साथ लेके तो नहीं जा सकती, मैं इतनी पहलवान तो नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ कि कैसे लेके जाना है। तो मैं पहुंच गई लॉन्ड्रामेंट एंड आई थिंक बहुत बिजी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी है एंड जगह भी नहीं है,
लेकिन देखते हैं कि कितनी लॉन्ड्री आज होती है। अगर नहीं होते तो मैं गाड़ी में ही सब कुछ रखूंगी और फिर कल वापस आऊंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इतनी सारी जगह होगी मशीन में। मतलब सबकी छुट्टी मंडे भी होती है, जैसे कि मेरी है मंडे। मतलब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को यूएसए में आना है, आप आ सकते हो, पैसे कमा सकते हो, सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप लोग इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे आपकी मॉम है, वहाँ पे नौकर चाकर मतलब आप रख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके आपको सब कुछ, चाय से लेके बर्तन तक सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। मतलब चाय खुद से बनाने का, खाना भी पीना भी, एंड झाड़ू पोछा लॉन्ड्री सब्जी लेने जाने का सब कुछ। मतलब आप समझ लो कि आप इधर हो और आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप अकेले ही हो। सो आई मीन ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपना जो भी काम है मैं खुद करती हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि अपना काम करने में कोई हर्जी नहीं है। सो आई थिंक इट्स गुड। तो ये है लॉन्ड्रामेंट और यहाँ पे लॉन्ड्री होती है और वहाँ पे होता है ड्रायर उधर। सो यहाँ पे जो है सारे ब्लैंकेट डाल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा मशीन है और आई गेस ये $5 का होता है, डिपेंड कि आपको कितना घंटा, मतलब आपको कितना मिनट में रखना है। ये ले, ये लिक्विड भी डाल दे, मैं लाई हूँ। अभी ये मशीन में डाला है पूरा ब्लैंकेट, इसमें डालेंगे एक और, मेरे पास दो और है तो शायद इसमें एक और डालेंगे। तो आपके बड़े बड़े कपड़े हैं, मतलब ज़्यादा ब्लैंकेट वगैरह है तो बड़े मशीन में सब कुछ आप डाल सकते हो। मेरे को बहुत सारे हुए तो इसलिए मैं यहाँ पे आई लॉन्ड्रामेंट में। वाला मशीन जो लेता है $5 और ड्रायर का होता है $3, तो मतलब मैं $10 में आपकी एक लॉन्ड्री हो जाती है। सो मेरा तीन हुआ, 1, 2 एंड ये वाला। और ये छोटा वाला मशीन है, अगर आपके पास थोड़े कपड़े हैं तो छोटे वाले मशीन में भी आप डाल सकते हो। और ये वाला है $5 का और ये वाला है $8 और ये वाला है $10, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरे को अभी वेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे गैस स्टेशन में आ गई हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में बिल्कुल गैस नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लॉन्ड्रामेंट का जो मैंने वॉशर में कपड़े डाले वो वैसे भी आधा घंटा तो लगेगा वहाँ पे बैठने से, तो अच्छा है कि मैं जल्दी फटाफट गैस डाल के आती हूँ। तो मैं यहाँ पे गैस स्टेशन और मैं अभी जाने वाली हूँ अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आजकल गैस का रेट क्या है। सो आई गेस आई डू $50। सो $48 का मैंने पूरा भर दिया अपनी गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी SUV है तो बहुत ज़्यादा जाता है। और ये जो एरिया है ये लोकल एरिया है इधर का। तो मेरे गैस का काम ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ तक मैं आई हूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला स्टोर है जहाँ पे बहुत अच्छी और फ्रेश सब्जी मिलती है, उसका नाम है रंडाजो। तो मैंने सोचा कि पास में ही है और 3 मिनट का ही रास्ता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ इधर से थोड़ी सी सब्जी। तो ये है रंडाजो, यहाँ पे बहुत अच्छी सब्जी मिलती है और फ्रेश वाली मिलती है। और यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट भी मिलते हैं। बहुत मेस्टअप है, ये रही मेरी ग्रोसरी। और अभी मैं जाऊंगी लॉन्ड्रामेंट क्योंकि आई नो मेरी गाड़ी बहुत गंदी है, मेरे को साफ भी करनी है क्योंकि मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ ये वाली कार, सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार यूज़ करती हूँ। एंड अभी मैं जाऊंगी लॉन्ड्रामेंट। गाइज मेरा हाथ इतना ठंडा हो गया है ना
कि आप मेरे हाथ में गर्मा गर्म तवा रखोगे ना तो भी मेरे को नहीं लगेगा। मैं सच बोल रही हूँ, आप इतना हंस रहे हो ना, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। इतने ठंडे मेरे हो गए ना कि आप गर्मा गर्म कुछ भी मेरे हाथ में रख दोगे ना, मेरे को फील नहीं होगा। बहुत ठंडी है मिशिगन में। सो ये है मेरे ड्रायर के कपड़े, जिन्हें ऑलरेडी अंदर डाल दिए। सो ये मेरा है, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। और यहाँ पे ना आप कॉइन डाल सकते हो, क्वार्टर। तो फिर यहाँ पे मिनट आती है कि आपको आधे घंटा करना है, एक घंटा करना है, दो घंटा करना है। क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट है तो इसीलिए मैंने 25 मिनट आधा घंटा किया है, और इसमें मैंने किया है 17 मिनट, इसमें भी 17 मिनट। सो मेरे ड्रायर वाले कपड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अभी मैं जाऊंगी घर क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। एंड अभी ब्लैंकेट का आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 मिनट तो दिखाई रहा है, तो अभी ब्लैंकेट के लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा। जी यहाँ पे रख दे। थैंक यू जय, बाय। हाय गाइस, सो ये था मेरा मिनी लॉन्ड्री व्लॉग, और मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ व्लॉग, और मैं आपको मिलूंगी दूसरे व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये जितनी भी लॉन्ड्री आज की है, मेरे को घर के अंदर भी लेके जाना है, मेरे को फोल्ड भी करना है, मेरे को अच्छी तरह से रखना भी है, एंड मेरे को खाना भी पकाना है, एंड आज मुझे थोड़ा काम भी है। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, मैं आपको मिलूंगी दूसरे व्लॉग में, एंड गुड नाइट।